यहाँ तक किया था हमने, आज करते हैं हम आगे। मुझे चाहिए इसके लिए हैंड का कंट्रोलर, कंट्रोलर चाहे ये बनाओ चाहे आप कोई भी सर्कल ले लेके बनाओ यहाँ से, या अपनी शेप बनाओ कर्व टूल से, वो आपकी मर्जी है। किसी ने किसी की ना कंट्रोल एक्स से कंट्रोल, ये अलग अलग है, किसी किसी की ना ग्रुप है। इन सबको कर दो शिफ्ट पी, पर वो चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं हैंड के अकॉर्डिंग। कंट्रोल डी, यहां स्नैप, आ गए आपके हैंड के कंट्रोलर्स। आपको क्या करना है, एक कंट्रोलर यहां पे भी लगा दो, और इन दोनों को कर दो फ्रिज। आई के लगा देना, ग्रेट आई के हैंडल टूल, पहले यहां क्लिक फिर यहां क्लिक, आई के आ गया हैंड में। सेम इस हैंड में भी करना, आई के हैंडल टूल, यहां क्लिक यहां क्लिक, आपको हैंड में पॉल वेक्टर देना पड़ेगा ताकि ये जो हैंड इधर जा रहा है उधर जाए। ये ना, हाँ तो हमें वो टारगेट देना पड़ेगा ना जैसे नी में दिया। उसके बाद क्या करना, इस वाले को इसका चाइल्ड
आप देखोगे इसके थ्रू आप इसको घुमा पा रहे हो ऐसे ही इसी हाथ में इसको इसका चाइन। अब क्या करना इस वाले हैंड को अब इस वाले का चाइन ताकि इसको रोटेट करने पे ये रोटेट हो सके। फिर इसको नहीं चलेगा ऐसे अब जितना एनिमेटर जितना एनिमेट करे वो एनिमेटर की मर्जी है। अब हमें बनाना है फिंगर्स के लिए पहले तो इन दोनों सर्कल्स को इसका चाइल्ड बनाना पड़ेगा ताकि हैंड साथ जाए। देखो हैंड साथ जा रहा है और रोटेट भी हो पा रहा है। आफ्टर दैट अब हमें फिंगर्स के लिए बनाना है तो फिंगर्स के लिए इसे बोलते हैं FK जो हमने स्पाइन में बनाया था ना FK। आप यही तरीका इसमें भी यूज कर सकते हो हर फिंगर को एक एक सर्कल दो कंट्रोल डी इसका चाइल्ड कंट्रोल डी इसका चाइल्ड। रोटेशन फिंगर की ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग करना है। अभी रोटेशन मैं फ्रिज नहीं कर रहा हूं अभी मैं खाली ट्रांसलेट और स्केल फ्रिज कर रहा हूं ट्रांसलेट और स्केल एक फिंगर पे करके दिखाऊंगा बाकी सब में सेम होगा। हमें इस फिंगर को इस बोन के साथ कर देना है ओरिएंट इस फिंगर को इस बोन के साथ कर देना है ओरिएंट फिर इस फिंगर को इस बोन के साथ कर देना है ओरिएंट। अब इस सर्कल को इसका चाइल्ड और इस सर्कल को इसका चाइल्ड। अब देखोगे एक सर्कल से एक बोन तो रोटेट हो रही है अगर तीनों को इकट्ठा रोटेट करेंगे तो आपका फॉलो थ्रू भी आ रहा है मतलब कर्व बन रहा है कर्व। देखो लिमिट लगाना चाहो लिमिट लगा सकते हो पर अब डिपेंड करता है मान लो उस एपिसोड में जो भी आप एपिसोड बना रहे हो एनिमेटेड उसमें इस कार्टून की फिंगर बहुत ज्यादा उल्टी मोड़नी है तो आप लिमिट लगाओगे तो मोड़ नहीं पाओगे। एनिमेटर को आपको एनिमेटर ट्रिक करके देना है एनिमेटर अपने हिसाब से खुद कर लेगा तो ज्यादा अच्छा है कि आप लिमिट मत लगाओ। भी कई बार हमें कार्टूनिश में बहुत एक्सर्शन करके दिखाना पड़ता है कि फिंगर उल्टी मोड़ दी तो कार्टूनिश में तो चलता है रियल कैरेक्टर में नहीं चलेगा पर ये हमारा कार्टून है ये जो हम कार्टून की जिसको हम रिक कर रहे हैं वो कार्टून कैरेक्टर है तो हो सकता है जिस मूवी का ये एपिसोड हो उसके पार्ट टू में अगर मूवी है तो हो सकता है उसके पार्ट टू मूवी में या एपिसोड है तो एपिसोड के आगे चल के एपिसोड्स में फिंगर मोड़ने का उल्टी मोड़ने का भी फंक्शन बनाना पड़े तो पहले ही बना के चलो। अब इस वाले सर्कल को इस वाले का चाइल्ड अभी बॉडी से कनेक्ट होगी पेरेंटिंग बनाओगे अपना बॉडी से कनेक्ट होता जाएगा तो हाँ